धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बसेड़ी थाना क्षेत्र में मानवता को कलंकित कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां अज्ञात लोगों के द्वारा एक 10 वर्षीय मासूम बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया है। यह हवसी अपने घर के बाहर सो रही मासूम को उठाकर ले गए और उसको खंडहर जगह में ले जाकर दुष्कर्म किया। यह मासूम लहूलुहान हालत में मिली है, जिसका हॉस्पिटल में उपचार जारी है। पीड़ित बालिका के चाचा ने बसेड़ी थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। उधर बसेड़ी सीएससी में महिला चिकित्सक नहीं होने के चलते बालिका का 2 घंटे तक मेडिकल नहीं हो सका, जिसके बाद बालिका का मेडिकल बाड़ी के राजकीय अस्पताल में कराया गया। पीड़ित परिवार के अनुसार गत रात बालिका अपने घर के बाहर सो रही थी, तभी रात करीब 11:30 बजे अज्ञात व्यक्ति सोती हुई बालिका को उठाकर घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक सुनसान खंडहर जगह ले गया, जहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। परिजन रात करीब 12 बजे जागे तो बाहर बालिका मौजूद नहीं थी। इसके बाद उन्हें बालिका के रोने की आवाज सुनाई दी, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे। इस दौरान बालिका के शरीर पर कपड़े मौजूद नहीं थे तथा वह लहूलुहान अवस्था में पड़ी थी, जिसको देखते ही परिजनों के होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना को लेकर मासूम काफी भयभीत बनी हुई है। बसेड़ी थाना क्षेत्र में जिस तरह हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए यह घटना हुई है, वह लोगों में चर्चा का विषय है कि आखिर इन हैवानों में पुलिस का कानून का कोई भी खौफ नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं कई जगह सुनने को मिलती है। बसेड़ी में हुई शर्मनाक घटना को लेकर अपराधी के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। 12 बजे का मामला था, मेरी मिसेज पेशाब करने गई तो बच्ची घर से बाहर सो रही थी, उसको कोई उठा करके ले गया और पड़ोस में बगल में बेसन का मतलब सुनसान जगह थी, उसमें जा करके किसी ने बच्ची को मतलब घिनौनी हरकत की। उसमें उस टाइम पर विषय ने बताया कि तुम देखो बच्ची की रोनी की आवाज़ आ रही है, तो मैं गया वहाँ पर, देखा तो बच्ची लगू लगा रही पड़ी थी। मैं बच्ची को उठा के लाया, बच्ची से मैंने पूछा कि बेटे आपने कैसे आई, बच्ची ने बताया कि मेरे को उठा के लाया चाचा। तो उसके बाद में सब घर वाले आ गए और बच्ची ने इतने बताया था। विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने आज सुबह करीब 10 बजे अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें साफ सफाई से लेकर अस्पताल के बेड आदि की व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। तो वहीं कार्मिक भी अपनी ड्यूटी पर पाबंद दिखे, जिससे यह निरीक्षण महज खाना पूर्ति ही दिखा। विधायक ने इस दौरान बाढ़ में मरीजों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के हाजिरी रजिस्टर का निरीक्षण किया। अस्पताल में विधायक द्वारा बैठक लेने के लिए मीटिंग की व्यवस्था नहीं होने पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजेश मित्तल को फटकार लगाई। इस दौरान ग्रामीणों ने भी अस्पताल में डॉक्टरों के नहीं बैठने की भी शिकायत की। इस पर विधायक बिफर गए तथा शिकायतकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि आप ही डॉक्टरों को हटवाते हो, आपने अस्पताल की व्यवस्थाओं को खराब कर दिया है। निरीक्षण के दौरान पूर्व प्रधान लाखन सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। जो कमी है उसको और हम दूर करने का प्रयास कर ही रहे हैं और गति हमने दी है। डॉक्टरों से मिले हैं, स्टाफ से मिले हैं। कोई भी डॉक्टर जो बसेड़ी के हॉस्पिटल में आने का इंटरेस्टेड हो, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भी हम जिसको ट्रांसफ़र कराएं वो यहाँ आए, रुके और काम को संभाले। ये चीज़ हमने देख ली है। जो छोटी छोटी बातें हैं और भी वो सब हमारे संज्ञान में आई हैं, उन सबको दुरुस्त करने का प्रयास। अस्पताल के अंदर जी को अब हम क्या नाम है, हमने खुद ने इसमें आज विजिट किया है और ऐसे विजिट आगे भी मैं करता रहूँगा और जहाँ जहाँ भी जो भी तकलीफ आएगी, कोई भी डॉक्टर या स्टाफ या कोई बाहर वाले दुकानदार, क्योंकि हमको ऐसा संज्ञान आया है, पता चला है कि यहाँ एक मैनेज प्रोग्राम चलता है, तो यहाँ शिकायतें भी होती हैं, एक को तो हटाया जाता है, दूसरे को लाया जाता है, फिर उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये इससे काम नहीं चलने वाला है। बेसिकली यहाँ आम जनता के लिए, बसेड़ी के लोगों के लिए अच्छा उपचार मिल सके, अच्छी व्यवस्था हो सके, उसके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ और हमेशा कोशिश करूँगा यहाँ के जो इंचार्ज हैं कि किस वजह से ऐसा हुआ है और उसको दोबारा चालू कराने की बात। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार सांसद चुनने के बाद सोमवार को पहली बार रायखेड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खनपुरा में हरिचरण धाम तथा विधानसभा मुख्यालय पर आदर्श विद्या मंदिर में पहुंचकर बैठक की और रायखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं व कार्यकर्ताओं को धन्यवाद व आभार प्रकट किया तथा इस जीत के लिए उन्होंने समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की है जीत, प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। कार्यकर्ता ने देश हित में कठिन परिश्रम कर
भारत के नव निर्माण के लिए भाजपा को पुनः जीत दिलाई है। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी अशोक शर्मा, जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन, मंडल अध्यक्ष नागवेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, महामंत्री राम भरोसी, संजय उदनिया, मजन सिंह, जयवीर सिंह, मीतल शुक्ला सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी व आमजन उपस्थित रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लवको शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा निवासी बागतीपुरा बसेड़ी धौलपुर को विश्वविद्यालय उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सेवा भारती के अंतर्गत लवकुश को यह पुरस्कार आदिवासी और वंचित समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए चिकित्सा सेवा कार्य के लिए दिया गया है। लवकुश ने विगत कई महीनों से नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन के तहत मेडिकल कैंप लगाकर आदिवासी समुदाय के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए टीकाकरण, दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य नीतियों को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लवकुश के सेवा कार्यों से प्रभावित होकर विश्वविद्यालय ने हर वर्ष दिए जाने वाले उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। बाड़ी में वार्ड संख्या 20 के नागरिकों ने पालिका प्रशासन पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लोगों ने नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की है। साथ में पूर्व पार्षद राजकुमार भारद्वाज और बाढ़ वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि 20 तारीख तक कोई कार्रवाई या जांच नहीं होती तो वे अपने बाढ़ वासियों के साथ आमरण अनशन करेंगे। शहर के 35 बाड़ों में से 20 बाड़ शहर की मास्टर कॉलोनी से शुरू होकर पंजाबीपुरा होकर पूर्व दिशा में बत्तीपुरा तक जाता है। इस बाढ़ में कई ग्रामीण क्षेत्र के छोटे गांव भी आते हैं, जहां सीसी खरंजा और इंटरलॉक के साथ अन्य विकास कार्य का कई वर्षों से इंतजार है। बाढ़ के पूर्व पार्षद राजकुमार भारद्वाज का आरोप है कि वे कई बार नगर पालिका बोर्ड में मांग कर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर सौतेला व्यवहार का भी आरोप लगाया। साथ में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप जांच की मांग की। इस दौरान बाढ़ के नागरिक भी पूर्व पार्षद के साथ मौजूद रहे। बड़ी पड़ी है नालियों को, टेंडर हो गए 3 बार, फिर भी काम नहीं हो रहा है सर। 4 साल हो गए ना सफाई हो रही कई बाढ़ में। पूरा बाढ़ कच्चा पड़ा, जब से 1950 से बनी है, जब से पूरे बाढ़ नंबर 20 कच्चा पड़ा हुआ है, जिसमें ऐसी क्या कोई बस पूरा लाइट नहीं है, ना खरंजा है, बत्ती पूरा खरंजा नहीं है। हमारे सरदार भाइयों के यहाँ कोई भी लाइट नहीं है, किसी तरह खरंजा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, और भ्रष्टाचार चल रहा है नगर पालिका में। सफाई का ठेका 1.5 करोड़ का है और 7.5 लाख रुपया महीना पट्टी कर्मचारियों। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के रेलवे चंबल पुल के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए शव को जिला चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मृतक की पहचान रिटायर्ड ASI राजेंद्र बंसल के पुत्र के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक मृतक गौरव सिंगल बीती शाम को घर से ग्वालियर जाने की बात कहकर गया था, जो धौलपुर स्टेशन से ग्वालियर के लिए बैठा था, जहां उसका संतुलन बिगड़ गया और चंबल पुल के पास ट्रेन से गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। प्रथम दृष्टया मौत का कारण ट्रेन से गिरना माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज एक रेलवे स्टेशन गेट के पास एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो पुलिस जाब्ता कोतवाल साहब मौके पर पहुंचे। डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया गया, जिसकी शनाख्ती गौरव बंसल पुत्र राजेंद्र बंसल रूप में उसके छोटे भाई ने शनाख्त किया है, और उसकी तहरीर पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही, पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई हॉस्पिटल में। गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से गायत्री जयंती एवं गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में बुधवार को गायत्री शक्तिपीठ शैंपू रोड धौलपुर पर 5 कुंडी यज्ञ का आयोजन सुबह 8 बजे से किया जाएगा। उप मुख्य ट्रस्टी धीर सिंह जादौन ने बताया कि मनुष्य में देवत्व की भावना एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण इसी भावना के साथ स्वास्थ्य संवर्धन एवं दुष्प्रभावी उन्मूलन के संकल्प के साथ एवं महाकाल सभी मनुष्यों को सद्बुद्धि दें। धीर सिंह जादौन ने अपील की है कि देव माता, वेद माता एवं विश्व माता माँ गायत्री की जयंती के अवसर पर सभी गायत्री परिजन एवं धर्म प्रेमी समय पर पधारकर यज्ञ का लाभ प्राप्त करें। सर्व समाज के महिला एवं पुरुष प्रतिनिधियों की बैठक आज सर्किट हाउस धौलपुर में हुई। धनीराम शर्मा ने बताया कि बैठक में महिला अत्याचार निवारण एवं
मासूमों की सुरक्षा के लिए जन जागरण अभियान चलाने के लिए जिला स्तरीय सर्व समाज के प्रतिनिधियों द्वारा सर्व समाज जागरूकता समिति का गठन किया गया। यह समिति पूरे जिले में ब्लॉक एवं गांव स्तर पर जागरूकता का काम करेगी। कमेटी में अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा, गणेश झाकरे, पूर्व उप शिक्षा निदेशक दयाकांत सक्सेना, सूरजमल, नेमीचंद मधुमंगल, ममता गोयल, गीता अग्रवाल, महेश चंद मंगल, सुरेश गोस्वामी, रमेश वाल्मीकि, श्यामवीर परमार, समृद्ध दीक्षित, अंबिका शर्मा, कृष्ण कुमार, शायना, नीरू पंडित, तरुण शर्मा, पंकज तिवारी, मनोज तिवारी, लालचंद पचौरी, संजय मुदगल, बकार अहमद खान, योगेश आदि लोगों को शामिल किया गया। सर्व समाज के महिला एवं पुरुष प्रतिनिधियों की बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई। धौलपुर जिले की लोकप्रिय यशस्वी आदरणीय जिला कलेक्टर महोदया श्रीमती नेहा गिरी जी द्वारा धौलपुर जिले में मासूमों की सुरक्षा एवं महिला अत्याचार निवारण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। उनके इन कार्यों से प्रभावित होकर धौलपुर के सर्व समाज द्वारा महिला सुरक्षा एवं मासूमों की सुरक्षा के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का मुख्य उद्देश्य पूरे जिले में मोहल्ले, गांव, ब्लॉक, तहसील सभी पर कमेटियां गठित करेंगे। दूसरा, जन जागरूकता अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा। राजाखेड़ा मुख्यालय पर बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते अब राज्य सरकार की संपत्तियां भी सुरक्षित नहीं बची हैं। ऐसे में आम जनता की सुरक्षा तो बहुत दूर की बात साबित हो रही है। ऐसे ही माहौल में तहसील कार्यालय से सोमवार की रात्रि में अज्ञात चोर वातानुकूलन संयंत्र चोरी कर ले गए और किसी को कानों कान भनक तो नहीं लगी। मंगलवार सुबह जब कार्यालय खोला और चोरी का पता चला तो भगदड़ मच गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली और तहसीलदार प्यारेलाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। बाड़ी शहर के नवाब पैलेस में करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया का दूसरी बार जीतने पर स्वागत समारोह और धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन आज शाम को किया गया, जिसमें मंचासीन अतिथियों सांसद मनोज राजौरिया, बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, प्रधान प्रतिनिधि पूरन सिंह गुर्जर, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ताराचंद गोयल, ब्राह्मण समाज से अमरीश पचौरी, पूर्व चेयरमैन अजमेर सिंह यादव, पार्षद त्रिलोकी चंद रहे, जिनका भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बाड़ी के पूर्व विधायक सहित सभी मंचासीन अतिथियों ने अपनी पार्टी के प्रति विचार व्यक्त किए। सांसद ने कहा कि भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता व जनता की समस्याओं के समाधान के लिए धौलपुर में जल्द सांसद कार्यालय खोला जाएगा, जो 24 घंटे खुला रहेगा। साथ में सांसद खुद महीने में 2 दिन धौलपुर प्रवास पर लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करेंगे। इसके अलावा सांसद ने राज्य सरकार और धौलपुर के विधायकों पर पुलिस से तानाशाही करवाने, कार्यकर्ताओं से मारपीट करने, विभिन्न आरोपों में संघीय धाराओं में गिरफ्तार कराने के गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेता दिनेश बाखतरिया और सुनील गर्ग कंपनी परिवार द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए। मंच संचालन भाजपा नगर अध्यक्ष मनोज मोदी द्वारा किया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय परमार उर्फ बॉबी, भाजपा नगर अध्यक्ष मनोज मोदी, पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश बाखतरिया, कंचनपुर मंडल अध्यक्ष अविनाश शर्मा, पार्षद रामवीर पोषवाल, किशोरी बटेले, विजेंद्र परमार, विशंबर परमार, रामवीर गुर्जर, अमरेश गुर्जर सहित काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कराने का कार्य मैंने ही किया था एंड कुछ तकनीकी कमियों से और कुछ गलत जो जानकारियों की वजह से वो काम अधूरा रह गया था। आज भी मेरा सपना है कि इस कार्यकाल में उस काम को कैसे पूरा किया जाए और पूर्ण कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार में आते ही इस प्रोजेक्ट में जल्द से जल्द पूरा करूँ। ईस्टर्न जो कैनाल योजना है पानी को लेकर के, उसको पूरा कराने के लिए क्या प्रयास? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में हमने बनाई थी और उस योजना का हमारा बहुत बड़ा सपना है और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि उस योजना को मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद लेकर सर्वप्रथम मैं उसको राजस्थान को सौगात मिले और उसमें से भी सबसे पहले धौलपुर और करौली को उसकी शुभकामना मिले। आप अपनी जीत का श्रेय जनता को देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जनता जनार्दन को आभार और धन्यवाद करता हूँ, उनको सशक्त नमन करता हूँ
कि उन्होंने सारे बंधनों को तोड़ते हुए, जाति के बंधनों को, पार्टी के बंधनों को तोड़ते हुए एक ही बंधन रखा कि देश का बंधन, राष्ट्र का बंधन, और राष्ट्र को सर्वप्रथम किया। और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में जो कार्य किए उनको पुनः आशीर्वाद और सहयोग देने का उन्होंने संकल्प किया। इसलिए धौलपुर की और करौली की जनता को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धौलपुर की समस्याओं समाप्त करने के लिए आप वहाँ कार्यालय खोलने जा रहे हैं, फिर एमपी कार्यालय जिले लेवल पर मुख्यालय पर? जी हाँ बिल्कुल, जल्द ही जिला मुख्यालय पर एक सांसद सेवा केंद्र खुलेगा जिसमें कि आम जन और कोई भी व्यक्ति आकर कभी भी अपनी समस्याएं बता सकता है ताकि जल्द से जल्द उन समस्याओं को सुनकर हम उनका समाधान कर सकें। महीने में कितने दिन रहेंगे जिले में? अभी आप बता रहे थे 2 दिन रहेंगे। कम से कम 2 दिन का मेरा कोशिश होगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड परिस्थिति नहीं होगी, कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 दिन मिनिमम रहे, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। धौलपुर शहर के अभिषेक सिंह परमार पुत्र सजेंद्र सिंह परमार निवासी राधा बिहारी रोड दुर्गा कॉलोनी धौलपुर का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पद पर चयन हुआ है। इसे लेकर अभिषेक परमार ने कल 10 जून को गुड़गांव ट्रेनिंग सेंटर में अपनी उपस्थिति दी। अभिषेक ने पिछले वर्ष बीटेक की डिग्री हासिल की है। अभिषेक का बैंक में चयन होने पर सगे संबंधी एवं मिलने जुलने वालों ने बधाई एवं उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। बधाई देने वालों में संत लोकेशानंद जी महाराज, अशोक राजावत, गोपाल सिकरवार, सुरेंद्र सिंह तोमर, जगदेव सेंगर, प्रदीप परमार, गजेंद्र परमार, जीतू सिकरवार, शुभम राजावत, मोहित सिकरवार आदि लोग शामिल हैं। सौम्य दीप शर्मा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। समाधिया परिवार जाटोली के सौम्य दीप शर्मा प्रपोत्र बोहरे पंचम सिंह, पौत्र श्री महावीर प्रसाद, श्रीमती कृष्णा शर्मा बोहरे दाऊजी शर्मा, चाचा चाची नीरज दीपिका, बलदेव नीतू, बहन सौम्या शर्मा जाटौली धौलपुर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सौम्य दीप को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और कीर्ति प्रदान करे। राजाखेड़ा के बाजना गांव में मंगलवार दोपहर एक घर में आग लगने से एक गरीब किसान का आशियाना पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पीड़ित भीमसेन पुत्र छोटेलाल के अनुसार घर के बाहर बंधे छप्पर में विद्युत के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जो भीषण गर्मी के चलते तेजी से पूरे घर में फैल गई। हालांकि आग की लपटें देखते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन गर्मी और हवा के चलते उन्हें सफलता नहीं मिली। देखते ही देखते भीमसेन की आंखों के सामने ही जिंदगी भर की जमा पूंजी। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के बीच लुपिन के द्वारा बनाए गए विश्राम कक्ष का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए जितनी अच्छी सुविधाएं हम उपलब्ध करा देंगे उतना ही जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने लुपिन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि लुपिन के द्वारा किए जा रहे कार्य बहुत ही सराहनीय है। हमें अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र को जितना विकसित कर देंगे उतना ही समुदाय को बेहतर सुविधा और सुरक्षित जीवन दे पाएंगे। इस मौके पर लुपिन के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी सुबोध गुप्ता ने कहा कि लुपिन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता की पहल पर आकांक्षी जिला होने के कारण लुपिन का प्रयास आधारभूत ढांचे में सुधार कर बेहतर सुविधाएं और माहौल उपलब्ध कराने का है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो चित्रकारी की गई है उसमें एनीमिया, स्वच्छता, प्रसवपूर्व देखभाल, धूम्रपान आदि से जागरूक के लिए संदेश और चित्र बनाए गए हैं। धौलपुर शहर का सबसे अच्छा आवासीय विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, जिसके पास है विशाल कैंपस और वो भी प्रकृति के मध्य, साथ ही आपके होनहारों का भविष्य संवारने धौलपुर जिले की बेस्ट फैकल्टी विज्ञान कॉमर्स संकाय में मेरिट देने वाला स्कूल, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा, आरामदायक कक्षा कक्ष, समय समय पर सह शैक्षिक गतिविधियां, छात्र छात्राओं के व्यायाम के लिए जिम उपकरण, यही नहीं इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। गोविंद पब्लिक स्कूल में परीक्षा परिणाम संख्यात्मक के साथ गुणात्मक लिए हुए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट होल्डर छात्र छात्राओं की उपलब्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर की
प्रतिभाओं की उपस्थिति। धौलपुर जिले के इतने 72 शिक्षण संस्थान में अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आज ही प्रवेश कराएं। प्रवेश प्रारंभ, शीघ्र पधारें। एक बार अभिभावक विजिट जरूर करें। पता: गोविंद पब्लिक स्कूल, ओडिला रोड, धौलपुर। नगर पालिका प्रशासन ने तहसीलदार राजाखेड़ा प्यारेलाल शोटवाल के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता के कल 3 दिवसीय अतिक्रमण अभियान का आगाज किया। अभियान के प्रथम दिन डॉक्टर रामखड़ाई चौराहे से पंजाब नेशनल बैंक तक बाजार में सड़कों पर कब्जा जमाए अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही व्यापारियों व हाथ ठेला वालों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी गई। लेकिन जैसे जैसे पालिका प्रशासन व पुलिस जाप्ता आगे बढ़ता गया, अतिक्रमियों ने पुनः सड़क पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पुनः स्थिति जस की तस हो गई, जिससे इस अभियान से बाजार को मूल स्वरूप में देखने की आम शहरवासी की इच्छा दम तोड़ती नजर आ रही है। अब ये देखना रोचक हुआ कि अतिक्रमण अभियान के शेष 2 दिनों में अतिक्रमियों के बुलंद हौसलों के विरुद्ध नगर पालिका प्रशासन क्या नया हथकंडा अपनाता है, या आज भी अभियान खाना पूर्ति तक ही सीमित रहेगा। धौलपुर शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया। आज अभियान शहर के सबसे व्यस्तम हनुमानतराय से शुरू हुआ, जहां नगर परिषद की ओर से जेसीबी के द्वारा अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के आरंभ में व्यापारियों ने हल्का विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल के चलते अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। हनुमानतराय से नयालगंज चौकी जगन चौराहे होते हुए कार्रवाई मोदी त्राय पर जाकर समाप्त हुई। तहसीलदार चंजी लाल ने बताया कि शहर में अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर नगर परिषद ने अभियान शुरू कर दिया और शहर भर से अतिक्रमणियों के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा, ताकि शहर के लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। नगर परिषद के ओर से शुरू हुए अभियान लगातार जारी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान जय गुरुदेव विद्यालय और कोचिंग क्लासेस। कोचिंग में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में दिया 100% परिणाम। कोचिंग सेंटर के छात्र रामदीप कुशवा बना धौलपुर जिला टॉपर। वहीं छात्र सचिन कुशवा ने 92.83% अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए जय गुरुदेव कोचिंग सेंटर बना सफलता का माध्यम। पहली बार 8 छात्रों में से 3 विद्यार्थियों का हुआ चयन। पता: जय गुरुदेव विद्यालय और कोचिंग क्लासेस, गांव ओदी का पुरा, धौलपुर। कोचिंग संचालक हैं नरेश चंद्र कुशवा और मोबाइल नंबर है 9784831323। मानसून का मौसम शुरू होने वाला है। मानसून आते ही बारिश होने के बाद जल भराव पर मच्छर पनपने से बीमारियां फैलने लगती हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। धौलपुर CMHO के निर्देशानुसार तसीमो PSC नर्सिंग स्टाफ द्वारा घर घर जाकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कूलर की प्रत्येक 3 दिन बाद सफाई, फ्रिज के पीछे लगे बॉक्स की नियमित सफाई सहित पानी को ढककर इस्तेमाल करने आदि के प्रति जागरूक किया है। ANM प्रीति गर्ग ने बताया कि घर घर जाकर लोगों के कूलर, फ्रिज चेक किए और लोगों को सफाई के लिए प्रेरित किया है और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि को पनपने से रोकने व बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। घर घर जाके फ्रिज और कूलर की सफाई के बारे में हम बता रहे हैं और हमने बताया है, उनको जागरूक किया है, जिससे टंकियों को साफ रखें, कूलर की और फ्रिज की पीछे की टोकरी है जो, उसको 7 दिन में वो सूखी रहनी चाहिए बिल्कुल एकदम, और जिससे डेंगू का मलेरिया ना फैले कीड़ा। उसमें जो सीजनल डिजीज चल रही है तो उसमें घर घर जाकर सर्वे करवाते हैं हम, तो पूरे धौलपुर जिले के अंदर सीजनल डिजीज आने से पहले से ही हम सर्वे करवा रहे हैं, जिससे क्या है कि मौसमी बीमारियों को कंट्रोल कर सकें और ये मलेरिया, डेंगू कहीं पर भी जैसे कोई केसेज निकलते हैं तो जो जहाँ पर केस होता है उस घर के आसपास के पूरे एरिया में हम सर्वे करवाते हैं, जिससे क्या है कि केस और आगे नहीं बढ़ सके और बीमारी ज़्यादा नहीं फैले। उठावनी, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है, मेरी पूजनीय माताजी श्रीमती रामरति मंगल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मुरारीलाल मंगल का स्वर्गवास दिनांक 11 जून मंगलवार को हो गया। उनकी उठावनी दिनांक 12 जून बुधवार को समय 3 बजे से 4 बजे
बचन पैलेस बाड़ी में होगी। शोका कुल परिवार पुत्र हरिशंकर सर्राफ, देवर सरललाल, श्रीराम शंभू दयाल, जवाहरलाल मंगल एडवोकेट, पौत्र अभिषेक विवेक, फर्म मुरारी लाल हरिशंकर मंगल सर्राफा बाजारबाड़ी, मोबाइल नंबर 70 14 18 68 33 82 33 58 45 50। बाड़ी शहर के मानव रचना कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा पांचवी और आठवीं के विद्यार्थी शामिल हुए। सभी ए प्लस और अच्छी प्रतिशत बनाने वाले विद्यार्थी इस समारोह में स्कूल प्रशासन द्वारा माल्यार्पण कर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किए गए। इस मौके पर उपस्थित मेधावियों ने बताया कि स्कूल की पढ़ाई और खुद की मेहनत से उन्होंने यह प्रतिशत बनाई है और वे बच्चों को सलाह देते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अच्छी तैयारी करें। स्कूल का रिजल्ट 100% रहने के साथ में मेधावियों ने बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके लिए स्कूल प्रशासन ने उनका सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें बच्चों के अभिभावक और शहर के गणमान्य नागरिक सहित विद्यालय प्रमुख पवन भारद्वाज, सचिव महेंद्र सिंह चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। मैं मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी हूँ और मैं बच्चों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो हमेशा मन लगा के पढ़ाई करें। मैं 5th क्लास का विद्यार्थी हूँ, मैं मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी में पढ़ता हूँ और मेरी ए प्लस रैंक बनी। मेरा नाम कशिश मुद्गल है, मैं मानव रचना कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी कक्षा 5th बोर्ड में ए प्लस आई है। मेरा नाम स्नेहा मित्तल है, मैं क्लास 8th की विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल है और मेरी 8th क्लास में ए प्लस ए बनी है। मेरा नाम तानी गोयल है, मेरे स्कूल का मैं मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी 5th बोर्ड में ए प्लस ग्रेड आई है। मैं अपना मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरी 5th क्लास बोर्ड में मैं ए प्लस आई है। मेरी क्लास 5th है, 5th, और मेरे नंबर ए प्लस ए आए हैं और मैं स्कूल मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल दाड़ी की हूँ। मेरा नाम प्रतीक शर्मा है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे सभी विषयों में ए प्लस ग्रेड प्राप्त की है। मैं मानव रचना स्कूल का छात्र हूँ। मेरे सभी अध्यापक या अध्यापकों ने पूरी मेहनत से मैंने भी लगन से पढ़ाई करके अपनी ये प्राप्ति की है। कक्षा 5th का छात्र हूँ, मेरी 5th में ए प्लस आई है। मेरे स्कूल का नाम मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल है। मेरी सर ने पूरी मेहनत करी है पढ़ाई में। मेरा नाम कृष्णा गर्ग है, मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल है। मेरी क्लास में ए प्लस ग्रेड बनी है। AVM कॉन्वेंट स्कूल इज एफिलिएटेड टू CBSE, which is a leading brand in the field of education. It has a huge infrastructure, playground, well-equipped CCTV classrooms and labs, along with highly qualified experienced teachers. Every year, AVM Convent School gives toppers from the stream of Science and Commerce and also toppers from the 10th board classes. AVM Convent School gives 100% result every year. So, hurry up, admission open, classes playgroup 2, classes 12th. Don't miss the opportunity. आसमान से बरसती आग से आमजन को कुछ राहत प्रदान करने के लिए नगर पालिका की ओर से शहर के बाजारों में लगातार जल छिड़काव कराया जा रहा है। आज भी पालिका प्रशासन ने राजाखेड़ा के मुख्य बाजार में जल छिड़काव किया, जहां लोगों का कहना था कि हल्के फुल्के जल छिड़काव से राहत के बजाय तपती जमीन से निकल रही उमस राहगीरों को और अधिक गर्मी का एहसास करा रही है। पानी का छिड़काव यदि पर्याप्त मात्रा में किया जाए तो ही राहत मिलेगी, इस खाना पूर्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मासूम ट्विंकल के साथ हुई निंदनीय घटना को लेकर बसई नवाब कस्बे में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें AVBP द्वारा दर्जन भर युवाओं ने कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर कैंडल मार्च निकाला। इसके बाद बैठक का आयोजन किया गया,
तहसील अध्यक्ष मुकेश कुमार जहां और समाज सेवी हरिओम कुशवा सहित अन्य दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही सरकार से दोषियों को फांसी की सजा दिलाने और भविष्य के लिए ठोस कानून बनाए जाने की मांग की। इस दौरान जॉनी व्यास, कुलदीप कटारा, सूरज शर्मा, विनोद कुशवा, गौरी शंकर गुदेनिया, दामोदर कुशवा, पीयूष व्यास, अर्जुन कर्ण आदि मौजूद रहे। आपके अपने इलाके के गांव ध्वजपुरा के सबसे बेहतर परीक्षा परिणाम और सुविधाओं से युक्त स्कूल नितिन शिक्षा समिति में प्रवेश प्रारंभ। शीघ्र प्रवेश लें। विद्यालय में नर्सरी से कक्षाएं प्रारंभ। अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य। विद्यालय में सभी भौतिक सुख सुविधाएं और बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध। बच्चों के लिए खेल मैदान और कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की सुविधा। संपर्क करें 99 29 41 59 89, 97 85 34 63 93, 87 40 85 00 95। अलीगढ़ में डाइवर्सिटी बच्ची के साथ दिल दहलाने वाली निर्मम हत्या को लेकर आज सर्व समाज के युवाओं, अन्य संगठन के छात्र नेताओं से मिलकर गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज कर उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सरकार प्रशासन निरंतर रूप से जल्द कार्रवाई करे। इस मौके पर पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिनव सिंह रामदास शर्मा ने कहा कि सभी युवा साथी इस छोटी बालिका को न्याय दिलाने के लिए तन मन धन से समर्पित होकर संघर्ष करें। उन तक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा न दिलाए जब तक निरंतर रूप से प्रशासन पर दबाव बनाया जाए। इस मौके पर अचल शुक्ला, शैलेंद्र शर्मा, श्याम मोहित शर्मा, मानसी तानिया, उमार रोशनी, श्याम पंडित, पंकज तिवारी आदि मौजूद रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलीगढ़ में परसों एक घटना घटी है, छोटी सी बच्ची के साथ में कूटपूर्वक जो दरिंदगी की गई है, जो कि हम लोग सोचने से भी घबराते हैं। भारत में मतलब बच्ची के साथ जिस देश के अंदर बेटियों को माँ का सम्मान दिया जाता है, देवी माँ का, उस देश में बच्ची के साथ ऐसी घटना बहुत ही ज़्यादा वो है। तो ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है, राष्ट्रपति के नाम दिया जा रहा है, जो सर्व संगठन एवं सर्व समाज द्वारा दिया जा रहा है, हम लोग यही आशा करते हैं कि हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका हमें परिणाम मिलना चाहिए। और ये मांग हमारी राष्ट्रपति तक जाए, उस बच्ची को इंसाफ मिले, और जो इसके जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम लोग तो यही बोलेंगे, उसे फांसी होनी चाहिए। सर्व समाज के युवा साथी एकत्रित होकर के आज जिला कलेक्टर परिसर में आए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि जो वारदात अलीगढ़ में हुई है उसको लेकर के जिस तरीके से प्रशासन और सरकार मौन है, वो मौन तोड़े और जल्द से जल्द अपराधियों पर कार्रवाई करें, यही युवाओं की मांग है। उसको लेकर के आज उन्होंने कलेक्टर महोदयों को ज्ञापन दिया है और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द उस विषय पर वो कार्रवाई करें। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने BEd STC के छात्रों के साथ मिलकर केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति के विरोध में नई शिक्षा नीति की प्रतियों को फाड़ा। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नई शिक्षा नीति को वापस लेने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में NSUI जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा विभाग ने नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को और कठिन बना दिया है। अब अभ्यर्थी कई चरणों में चयनित होकर ही अध्यापक बन पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति जारी की गई है, इसके तहत शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों की टेट से पहले स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद अतिरिक्त विषय अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विषय में प्राप्त NTA परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तीसरे चरण में लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद 5 से 7 मिनट तक स्थानीय BERC के सामने पढ़ाई करवानी होगी और अंत में इंटरव्यू रखा गया है। जिला मीडिया प्रभारी श्याम सिंह परियार और सत्येंद्र तोमर ने बताया कि नवीन शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में शिक्षकों की भर्ती को लेकर सभी स्तरों पर टेट संबंधी विषय में NTA साक्षात्कार 3 वर्षीय परीक्षा काल के क्लोज को तुरंत हटवाना चाहिए। हम एकत्रित हुए हैं BEd के BSTC के छात्र, जो शिक्षक प्रणाली जो नई बनाई गई है काफ़ी जटिल कर दिया गया है। पहले से ही भर्ती जो प्रक्रिया हैं काफ़ी जटिल हैं और इसमें इंटरव्यू और बढ़ा दिया गया है, जिससे जो भर्ती प्रक्रिया है काफ़ी जटिल हो जाएगी और जो लोग मतलब गांव से आते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इंटरव्यू नहीं फेस कर पाएंगे और इससे उनको मतलब रोजगार की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको एकदम सरल कर दिया जाए, जैसा है वैसा ही बना रहने दिया। आज NSUI धौलपुर के द्वारा
जो भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है उसके खिलाफ समस्त बीएसटीसी एवं बीएड के छात्रों एवं छात्राओं ने इकट्ठा होकर इसका विरोध दर्ज किया है। एवं अगर ये शिक्षा नीति लागू होती है तो जो शिक्षक प्रक्रिया है वो अत्यंत जटिल हो जाएगी एवं इसमें इंटरव्यू को भी रखा गया है जिससे भ्रष्टाचार होने के आसार हैं, जिसके अगर भ्रष्टाचार हुआ तो जो गाँव की जो छिपी हुई प्रतिभाएं वो रह जाएंगी, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। स्वास्थ्य शासन विभाग ने नगर पालिकाओं और निकायों के पुनर्गठन के लिए कल आदेश जारी कर दिए। वार्डों के पुनर्गठन का आधार 2011 की जनगणना को माना गया है। इस आधार पर अब राजाखेड़ा में 2020 में होने वाले नगर पालिका चुनाव के लिए 25 के बजाय 35 वार्ड होंगे। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राजाखेड़ा नगर पालिका की जनसंख्या 33,666 है। वार्डों के पुनर्गठन का जिम्मा नगर पालिका को ही सौंपा गया है, जिसके दिशा निर्देश। नव युवक मंडल ट्रस्ट बराई ने गांव के ही एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मृतका की पत्नी को घर पहुंचकर आर्थिक सहायता दी। बराई गांव निवासी राकेश कोहली, जिसकी कुछ समय पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिस पर ट्रस्ट के सदस्यों ने संवेदना व्यक्त करते हुए आज मृतक की पत्नी को 6100 रुपए की नगद सहायता राशि प्रदान की। इस मौके पर ट्रस्ट के पवन शर्मा, सतीश शर्मा, शिव कुमार कोहली, राजकुमार शर्मा, उमेश शर्मा, जितेंद्र सरपंच, जीतेश शर्मा, रमन शर्मा तथा पीड़ित परिवार मौजूद रहा। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर, जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, थौलपुर, डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000025053 9165741677। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेड़ी अंकित गर्ग, राजा खेड़ा मोहित शुक्ला उफ मल्टी भैया, बाड़ी मलिक इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो विवेक मित्तल, मरेना अनिल सक्सेना। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेंद्र धाकरे। धन्यवाद।